25 फरवरी 2024 को आने वाली शबी बारात में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक खास मौका है, जहां वे रातों में इबादत का अद्भुत अवसर मानते हैं। इस रात में अपने मरहूमों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं और कब्रिस्तान में उनकी जियारत करने के लिए पहुंचते हैं। लाखों लोग कब्रिस्तान में अपने प्रियजनों की यादों में कब्रिस्तान पहुंचते हैं, दुआ करने के लिए इकट्ठा होते हैं। मस्जिदों में भी होती है खास इबादतें और बयान और दुआएं देश के अमन और सलामती के लिए भी मांगी जाती है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल किए गए हैं। कई जिलों के डिप्टी कलेक्टर बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से 64 प्रशासनिक सेवा के अफसरों के तबादले किए गए हैं। इसमें सामान्य प्रशासनिक विभाग, नर्मदा घाटी राजस्व सहित कई डिप्टी कलेक्टर शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थी। बस यही छिंदवाड़ा की सीट रह गई थी। कांग्रेस के इस मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी छिंदवाड़ा की सीट पर जीत का परचम फहराने के लिए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा जता सकती है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने संत रविदास की जयंती के अवसर पर उनके अनुयायियों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने उनके नाम पर की जा रही राजनीति को लेकर भी सवाल उठाए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि संत रविदास ने हमेशा इंसानियत और जनसेवा के लिए समर्पण का संदेश दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने INGI गठबंधन के विस्तार और इसमें बहुजन समाज पार्टी की एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि बीजेपी को हराने के लिए मायावती साथ आए। ईडी गठबंधन में मायावती का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सीट के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करना चाहती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन कांग्रेस आप अलायंस का ऐलान हो गया है। इसका ऐलान आप कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भले ही पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया हो, लेकिन राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर गठबंधन लगभग फाइनल हो गया है। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 4 मार्च से शुरू होगी और 11 मार्च अंतिम तारीख है। 21 मार्च को विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और 5 बजे से उसी दिन गिनती होगी। बिहार विधान परिषद की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की गई है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन की सरकार प्रदेश के अलग अलग जिलों के मठ और मंदिर की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को इसका ऐलान प्रदेश की विधानसभा में किया। दिव्या खोसला हाल ही में शादी के 19 साल बाद अपने पति भूषण कुमार का सरनेम हटाने को लेकर सुर्खियों में छा गई थी। इस वजह से रूमर्स भी फैले हुए हैं कि एक्ट्रेस की शादी ठीक नहीं चल रही है और वे पति भूषण कुमार से अलग हो सकती हैं। हालांकि दिव्या के पति भूषण कुमार ने सभी अटकलों का खारिज करते हुए बताया कि दिव्या ने ज्योतिष के कहने पर उनका कुमार सरनेम हटाया था। भारतीय क्रिकेट टीम के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। सचिन के रिकॉर्ड्स को तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। सचिन ने इसी तरह का एक कारनामा ग्वालियर में किया था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक जड़ा था। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने थे।